दोस्तों, इस उपाय से आप अपने चेहरे को बिल्कुल गोरा व बेदाग दूध जैसा चमकीला बना सकते हैं। दोस्तों, कौन नहीं चाहता है कि मेरा चेहरा एकदम चमकीला दिखे, लेकिन ज़्यादा धूप, मिट्टी या ज़्यादा धूप लगने की वजह से चेहरे पर कालापन जैसी समस्या आ जाती है, जिसके वजह से हम सभी बहुत ही परेशान रहते हैं और तरह तरह के क्रीम पाउडर का यूज करते हैं, जिसका साइड इफ़ेक्ट और पड़ने लगता है और चेहरा और काला पड़ जाता है। लेकिन आज मैं जो यह उपाय बताऊंगा, वो सीधा आपके चेहरे से कालापन को दूर करने में काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि यह बिल्कुल घरेलू नेचुरल नुस्खा है। तो चलिए इस नुस्खे को बनाते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको लेनी है वो है एक क्लीन बाल। अब इस क्लीन बाल में जो चीज़ आपको ऐड करनी है वो है हल्दी पाउडर। दोस्तों, हल्दी पाउडर तो आपके घरों में खाना बनाने में डेली यूज होता ही है, तो इतनी सी हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर लेनी है। अब आपको जो चीज़ इसमें ऐड करनी है वो है टमाटर, क्योंकि टमाटर में कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे चेहरे पर निखार लाने में काफ़ी मदद करते हैं। तो टमाटर का रस इसमें आपको ऐसे ऐड कर लेनी है जैसा कि आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, वैसे आपको भी कर लेनी है। अब आपको जो चीज़ इसमें ऐड करनी है वो है ईनो, क्योंकि ईनो हमारे चेहरे से गंदगी यानी मैल को हटाने में एकदम ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। तो ईनो आपको इतनी सी मात्रा में ले लेनी है। अब इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेनी है, जैसा कि आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं वैसे आपको भी मिक्स कर लेनी है। जब यह पूरी तरह से ऐसे मिक्स हो जाए तो आपको क्या करना है, इसे ऐसे हल्के हाथों से लेकर अपने चेहरे पर चारों तरफ लगाते रहना है। जब चेहरे पर पूरी तरह से लग जाए तब इसे मात्र 10 मिनट तक ऐसे छोड़ दें। 10 मिनट बाद आप क्या करें कि अपने चेहरे को स्वच्छ पानी से वॉश कर लें यानी धो लें। दोस्तों, यह उपाय आप हफ्ते में 2 से 3 दिनों तक करते हैं तो आपका चेहरा बिल्कुल गोरा दूध जैसा चमकीला दिखते नज़र आएगा।